और अभी हम लोग जो है वॉर मेमोरियल जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं और आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और इधर देख सकते हो, इधर लिखा भी हुआ है नेशनल वॉर मेमोरियल, तो अभी इसके अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइन है, तो अभी इसके अंदर एंट्री करते हैं और इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं आगे का। और ये देख सकते हो ब्लैक ब्लैक फौजी जो है, सभी लोग जो है नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। वहाँ पर शायद परेड होता है और इसके बाद जो है श्रद्धांजलि भी दिया जाता है और झंडे को नीचे भी किया जाता है। तो आप जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये देख सकते हो काफ़ी सारे फौजी जो है सभी अंदर एंट्री कर रहे हैं। और अब जो है मैं आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में, घूमने बुलने में। और आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, इस उधर काफ़ी सही लग रहा है। और आगे चलते हैं और आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं, आगे क्या क्या चीज़ है मुझे तो पता नहीं, बट इसके अंदर चलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, तो आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। पहले मैं बाहर से घूम लेता हूँ, इसके बाद फिर अंदर चलते हैं। अंदर में वहाँ पे कुछ है तो उस साइड वहाँ पे उसके अंदर में कुछ है तो देखते हैं, उधर भी चलते हैं। और इधर पहले तो बाहर से बाहर का नज़ारा घूमते हो और इसके बाद अंदर चलते हैं। इधर से देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो इस ट्रैक पर चलना पड़ता, उधर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लगे हुए पुलिस लगे हुए हैं, तो वो उधर मना करते जाने से। तो अभी इधर ही चलते हैं, ट्रैक पे ही चलते हैं और आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आना है, कोई पेमेंट वेमेंट नहीं लगता है, इसीलिए जो है काफ़ी लोग यहाँ पे आ रखे हैं। तो आप भी इधर आके घूम सकते हो, जब भी इधर ओपन रहता है तो इधर घूमो, काफ़ी मस्त लगता है इधर घूमने में। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ आप लोग को शो कर रहा है, तो इसके नीचे ही जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो दीपक जल रहा है और इधर ही छोटा सा परेड वरेड होता है। तो अभी तो इसके अंदर एंट्री अभी अलाउ नहीं है, टाइमिंग जब होगा तब इसके अंदर एंट्री होगा नीचे की साइड में। और मैं उधर से चला आया और देख सकते हो जो हमारे देश के वीर सिपाही हैं जो कि शहीद हुए, सभी का नाम यहाँ पे इधर मेंशन किया हुआ है। और इधर जो है आप घूमोगे इधर, तो इधर आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा। मैं आप लोग को अंदर का नज़ारा सारा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इधर दोस्तों ये अंदर का नज़ारा आप लोगों को कुछ ऐसा है शो कर रहा है। और इधर जो है काफ़ी साफ सफाई जो है काफ़ी खूबसूरत दिखने में लगेगा। और बगल में ही इधर दोस्तों इंडिया गेट भी आप लोग को शो कर रहा है। और इधर जो है नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर घूमने में। और इधर देख सकते हो चारों तरफ का मैं नज़ारा आप लोगों को, कैमरे को मैं घुमा के चारों तरफ का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इधर आगे चलते हैं और आगे भी आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है इधर। इधर जो है आप जो है ज़रूर आप आओ और अपने फैमिली को भी लेके आओ, जो भी आप लोग इधर, क्योंकि इधर घूमोगे इधर सुकून मिलेगा। और हमारा इंडिया के लोग जो है, जो हमारे देश के लिए सभी लोग जो शहीद हुए हैं, उनके यहाँ पर सारा नाम मेंशन है। तो इधर जो है आप ज़रूर टाइम निकाल के एक बार आओ, काफ़ी मज़ा आएगा। ये देख सकते हो अंदर से नज़ारा मैं आप लोग को पूरा मैं दिखा रहा हूँ। इधर देख सकते हो कुछ ऐसा है, चारों तरफ मैं आप लोगों को कैमरा घुमा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है घर बैठे भी देख सकते हो। लेकिन आप एक बार जुड़ो आ ही जाना, लेकिन मैं आप लोगों को घर बैठे भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है घूम के काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी जो है सब चीज़ को मेनटेन कर रखे हुए, सफाई जो है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और इधर जो काफ़ी लोग घूमने आ रखे हैं और इधर जो है इसके उस साइड जो है जो जो लोग वार में डेट किए हैं, तो उन जो शहीद लोग हुए हैं उनका भी नाम इधर मेंशन है। तो काफ़ी सही लग रहा है इधर घूमने में और बहुत सारे लोग इधर घूम रहे हैं, मैं भी इधर घूम रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इधर नाम लिखा हुआ है, जो जो लोग इधर शहीद हुए हैं उनका नाम सारा यहाँ पर लिखा हुआ और काफ़ी दूरी तक ले लिखा हुआ क्योंकि काफ़ी लोग शहीद होते रहते हैं, तो इसीलिए उनका नाम यहाँ पर धीरे धीरे नोट होते रहते हैं। इधर भी देख सकते हैं झंडे को नीचे यहाँ पे किया जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं इकट्ठे हैं। और ये लोग जो है झंडे को नीचे काफ़ी ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे देख सकते हो, 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पे हैं जो कि झंडे के पास में हैं। और सभी लोग जो है अपना रस्सी को जो है पकड़ रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तिरंगा है जो कि इसमें मिक्सचर है, इंडियन नेवी लोग का तिरंगा है और मतलब जो पुलिस विभाग में उन्हीं का तिरंगा है और इंडिया का भी झंडा इधर है। और यहाँ पे दोस्तों का चारों तरफ आप लोग को जितने भी लोग शहीद हुए चारों तरफ नाम यहाँ पे मेंशन है, सभी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उनका जो भी डिटेल होता है सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। लोग आते हैं इधर घूमने के लिए, इसी वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी लोग घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फूल भी काफ़ी लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि जो जिनका कोई किसी का फैमिली आते हैं तो यहाँ पर अपना जो फूल भी लेके आते हैं और इसके अंदर जो फूल भी चढ़ाते हैं। और देख सकते हो यहाँ पे भी, देखो इधर से भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तिरंगा है जो कि एक तो अपना तिरंगा है और बाकी जो नेवी का तिरंगा होता है और थलसेना वायुसेना शायद ये सब लोगों का तिरंगा जो होता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और इधर से नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को,
काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर, जो आपको अगर टाइम मिलता है तो इधर आया करो घूमने के लिए। देख लेना गूगल पे किस किस दिन ओपन रहता है और इधर आ सकते हो आप घूमने के लिए। तो इधर घूमना जरूर आओ, क्योंकि इंडिया का देश इधर थोड़ा सा आके अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, तो इधर आया करो। क्योंकि काफ़ी लोग इधर शहीद हुए हमारे देश के लिए, तो कम से कम उनको तो देखने के लिए इधर आ सकते हैं, उनका नाम मेंशन है, तो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिल को भी सुकून मिलता है। आप भी आओगे तो आपको भी इधर दिल को सुकून मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, मैं बोल के क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो। और अब जो है नेशनल वॉर मेमोरियल से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि शाम को टाइम में जो है इंडिया के झंडे को जो है नीचे झुकाया जाता है, तो अब जो है वो हो चुका है और श्रद्धांजलि भी दे दिया गया है। और अब जो है गेट से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे लाइटिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से लगा हुआ है और काफ़ी भीड़ आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोग देखने के लिए अंदर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो अंदर का नज़ारा भी आप लोगों को कुछ ऐसा है, यहाँ पे देख सकते हो पानी में लाइटिंग लगा रखा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप जो है नहीं आए हो इधर, तो एक बार जो है आप इधर ज़रूर आओ।